बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रियल इस्टेट के चैनल पे आपको एक बार फिर खुशामदीद। मेरा नाम है अरसलान मजीद और आज जो मैं प्रॉपर्टी आपको दिखा रहा हूँ जो कि है अवेलेबल फ़ॉर सेल, वो है नाजमाबाद 3 नंबर 3C के एरिए में। नियर भी बता देता हूँ, बिल्कुल अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है, बिल्कुल उसके सामने जो ट्रामा सेंटर है, ट्रामा सेंटर के सामने रेजिडेंशियल इलाका है, वहाँ पर शॉप बनी हुई है, उसकी बैक साइड पर जो गली है वहाँ पर ये अवेलेबल है फॉर सेल। तो सबसे अच्छा और बेहतरीन बेनिफिट ये है कि ये तकरीबन 1100 स्क्वायर फीट पे ये फ्लैट है, 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, टीवी, लॉन्च की प्लानिंग पे, लेकिन इसमें अटैच वॉशरूम एक है और एक कॉमन वॉशरूम दिया गया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस एरिया में लोड शेडिंग जब किसी ज़माने में हुआ करती थी तब भी यहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती है और 24 घंटे मीठे पानी यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि ट्रामा सेंटर के बिल्कुल अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के सामने की जो रो है उसकी बैक साइड पे ये रेजिडेंशियल इलाका है। इस वजह से यहाँ पे इन दो चीज़ों का बेनिफिट है। तो ये इसकी एक वाहिद एंट्रेंस है, ये आप देख सकते हैं, इंटर होते ही सामने एक इसके रूम आ रहा है, इसको आप बेडरूम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ड्राइंग रूम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि अटैच वाशरूम इसमें एक ही है और एक कॉमन वाशरूम है। यह आपके सामने ही है इसका ड्राइंग रूम, बेडरूम, जो आप बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं इसको ड्राइंग रूम काउंट कर रहा हूं और यहां से इसके छोटा सा पैसेज और यहां से भी एक गेट दिया गया है लॉन्च की तरफ से। हम चलते हैं पैसेज की तरफ से। ये वेंटिलेशन के लिए यहां पे डक है, इसलिए यहाँ पर विंडो दे दी गई है। बहुत ही बेहतरीन और हवादार फ्लैट है, किराए पे ये दिया हुआ था, खाली कराया है, कैबिनेट वगैरह इसमें नहीं लगे हुए हैं, सेफ्टी गेट बारल लगा हुआ है, ग्रिल, सेफ्टी गेट, ये सब कुछ लगे हुए। किचन अगर अपने हिसाब से आप एकदम ब्रांड न्यू बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये आपके सामने है, कितना बड़ा और बेहतरीन इसका कंफर्टेबल इसका लॉन्च है, ये बिल्कुल आपके सामने है इसका ये लॉन्च। और ये बिल्कुल गेट जो आ रहा है, जो ड्राइंग रूम में आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ का इसका गेट है। और एंट्रेंस की तरफ भी एक व्यू देख लेते हैं, ये इसकी एंट्रेंस है, ये आपके सामने इसका बेहतरीन लॉन्च साइज है। ये सामने इसके दोनों बेडरूम हैं, एक अटैच है, एक कॉमन वॉशरूम, यहाँ वाला रूम, ये वाला रूम जो आपके सामने है ये इसका अटैच है और ये वाला नॉन अटैच है। और इसका कॉमन वॉशरूम कहाँ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक गैलरी दी गई है, वॉशिंग एरिया गैलरी भी है और यहीं पर ही इसके एक कॉमन वॉशरूम दिया गया है, वो मैं आपको एंड में दिखा दूँगा। सबसे पहले देख लेते हैं ये वाले बेडरूम, और बेडरूम की तरफ जाने से पहले मैं आपको इसका रेलवे वाली साइड से व्यू दिखा दूँ। बिल्कुल बेहतरीन खुला एरिया है, हवादार फ्लैट है, सामने किसी भी किस्म की कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है जो बेपर्दगी हो, बेहतरीन हवादार है। ये विंडो को ओपन रखें, बहुत ही प्यारी हवा यहाँ से आती रहेगी। और आप देख लेते हैं ये वाला बेडरूम जो अटैच वॉशरूम के साथ है, सामने एक और वेंटिलेशन डक है जिसकी विंडो लगी हुई है, और ये इसका अटैच वॉशरूम। बाथरूम का साइज भी काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल है। और आप देख लेते हैं इसका दूसरा बेडरूम, सब लीजिए हुआ हुआ है, और अब देख लेते हैं इसका फाइनल गैलरी का व्यू और यहाँ पे जो इसके कॉमन वॉशरूम है उसको देख लेते हैं। ये इसका वॉशिंग एरिया गैलरी है, किराए पे अभी खाली हुआ है तो इस वजह से ऐसी कंडीशन है, साफ़ सुथरा इन्होंने करवा दिया है, लेकिन अभी जैसा आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही इन्होंने सेल करना है। नाजमाबाद 3 नंबर 3C के एरिए में 3rd फ्लोर ये अवेलेबल है फॉर सेल, सब लीज हुआ हुआ है, ये आपके सामने है। ये देखिए आपने कम्प्लीट वीडियो को एंड करने से पहले एक बार सब कुछ रिपीट कर दूँ। नाजमाबाद 3 नंबर 3C के एरिए में 3rd फ्लोर ये अवेलेबल है फ्लैट फॉर सेल, सब लीज ये हुआ हुआ है, 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, टीवी, लॉन्च की प्लानिंग है, एक अटैच और एक कॉमन वॉशरूम है इसमें। पीछे आपके सामने ये इसका व्यू है, रेलवे वाली गली, और 24 घंटे पानी और लाइट यहाँ पे कभी भी नहीं जाती, तो यहाँ की ये कंडीशन ये है, यही एक बेनिफिट है यहाँ पे।
तो इसके रेट जो डिमांड कर रहे हैं वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं। जो हजरात प्रॉपर्टी के हवाले से इंटरेस्टेड हों तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जाके आने वाली वीडियो प्रॉपर्टी के हवाले से आप तक पहुँचती रहे। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।